सभी भक्त जनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपको इंटेस्टाइनल कॉलिक, जिसे आंत्रशूल भी कहा जाता है, उसके योगोपचार के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। इस बीमारी को समझ लें कि यह क्यों होता है। कई कारणों से होता है। आंतों में दर्द हो जाना इस बीमारी का मुख्य लक्षण में से है। बहुत ज़्यादा और कुछ समय और स्वास्थ्य के लिए जो अहितकर भोजन, भारी भोजन है, उसको खा लेना बहुत ज़्यादा ठोस करके, वह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। तली भुनी चीज़ खाना, गैस वाली चीज़ खाना जिससे गैस बनती हो, वह कारण है। पेट में अल्सर हो जाना, उसके कारण भी दर्द होता है। पेट में गांठ बन जाना, आंतों में सूजन हो जाना, उसके कारण भी दर्द उभर जाता है। आंतों में मल का रुक जाना, यानी बहुत हार्ड कॉन्स्टिपेशन हो जाना, उसके कारण भी ये इंटेस्टाइनल कॉलिक की समस्या खड़ी हो जाती है। इस बीमारी से छूटने के लिए वैसे ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता, आसानी से छूट भी सकता है, लेकिन कुछ केस में कठिन हो जाता है। लगातार दवाओं के सेवन के बावजूद भी आंतों में दर्द बना रहता है, कब्ज बना रहता है, गैस बना रहता है, और मरीज तड़पता रहता है। इस बीमारी से छुटकारा के लिए आपको पहले तो यह बताऊंगा कि जो भोजन है वो सादा भोजन लिया जाए, ज़्यादा मसालेदार भोजन नहीं लिया जाए, और तली हुई चीज़ से परहेज किया जाए। लौकी, करेला या और जो हरी सब्जियां हैं उसका सेवन किया जाए, और रात्रि के भोजन को कम किया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ देने से अति उत्तम है, लेकिन जो छोड़ नहीं सकते हैं वो कम से कम चौथाई कर दें। अब इसके बाद जो रेगुलर योग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उनको भी ये समस्या आती है। जो करते हैं वे किसी तरह से तो हजम कर जाते हैं, और खाना जो खाया जाए तो उसमें सलाद वगैरह बढ़ा दिए जाए। सलाद बहुत ज़रूरी है, सलाद खाएंगे तो पेट साफ होगा। पेट साफ करने के लिए और उसके दर्द कम हो, इसके लिए जो है सूरन की सब्जी, जिसे कई जगह ओल भी कहा जाता है, उसकी सब्जी बहुत लाभकारी है, लेकिन सादी होनी चाहिए, मसालेदार नहीं। और बेल का मुरब्बा, वह बहुत लाभकारी है, और बहुत पका हुआ अमरूद, अब उसमें देख लेना कि कीड़े ना पड़े हों, लेकिन पका हुआ एकदम होना चाहिए, वह भी बहुत लाभकारी है। तो अब मैं आपको कुछ योग बतलाने जा रहा हूँ जो इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। तो पहले आपको कुछ प्राणायाम बतला दूं। इसमें
कपाल भाती प्राणायाम बहुत लाभकारी है। सांस को झटके से बाहर फेंकते हैं नाभि की ताकत से, और श्वास को खुद ब खुद भरने देते हैं। श्वास भर जाए तो फिर बाहर झटके से सांस को फेंक देंगे। ऐसा ऐसा 108 बार तक करेंगे। अधिक करने की ताकत शुरू में नहीं है तो धीरे धीरे, मतलब शुरू में 21 बार कर लें, फिर धीरे धीरे थोड़ा बढ़ाते बढ़ाते वहाँ तक चले जाएं। और जिनकी ज़्यादा ताकत है उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं जाड़े के दिन में, गर्मी के दिन में नहीं करना। गर्मी के दिन में 108 बार काफ़ी है। तो देखिए, करके आपको दिखाता हूँ। आप इस तरह से आप करेंगे 108 बार तक। इसके बाद है अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार प्राणायाम में सांस को बाहर निकाल देंगे, सांस को रोक देंगे, पेट को पीछे ले जाएंगे और ऊपर और नीचे करते रहेंगे। यह मैंने एक बार करके दिखाया, इसमें सांस को रोक करके ही सब करना होता है। अब इसके बाद आपको उड्डयन बंद बतला रहा हूँ, जो इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। उड्डयन बंद में क्या करेंगे कि सांस को बाहर छोड़ देंगे और पेट को ढीला छोड़ देंगे, और उसके बाद उसको सटक लेंगे, इवैक्यूएट कर लेंगे, यानी मांसपेशियों की ताकत से पेट को नहीं खींचेंगे बल्कि हवा की ताकत से खींचेंगे। अंदरूनी जो थोड़ी बहुत हवा बची रहती है उसकी शक्ति से इसको खींचेंगे, ताकि जैसे कि हवा को वहाँ से बिल्कुल खाली कर दिया जाए, वहाँ हवा रहने नहीं दिया जाए, तो यह क्या होगा कि पेट में गड्ढा बन जाएगा। यह आँत सूल के लिए बहुत ही लाभकारी है। ऐसा मैंने एक बार किया, आपको 5 बार कम से कम करना है। वैसे इसको आप 21 बार तक ले जा सकते हैं। 5 बार से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 21 बार तक इसे ले जाएंगे। अब इसके बाद आपको नौली क्रिया बतलाता हूँ। हालांकि कठिन है यह, लेकिन आप इसे प्रयास करेंगे करने का, यह बहुत ही लाभकारी है। इसमें करना क्या है कि आपको सांस को बाहर निकाल देना है, सांस को रोक देना है, और रोके हुए स्थिति में जैसे उड्डयन बंद में पेट को ढीला करते उसी तरह से ढीला छोड़ देंगे, फिर हवा के भीतर से हवा का दबाव बना करके और इसको बाहर निकाल लेंगे बीच वाले हिस्से को, और फिर इसको घुमाएंगे। इसको बैठ करके भी किया जाता है, खड़े होकर के भी किया जाता है। तो आसानी बैठ करके करना थोड़ा कठिन है, खड़े होकर करना आसान है। मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूँ, आप जैसा चाहें वैसा करें।
खड़े होकर के पहले कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा, फिर उसके बाद बैठ के करेंगे। अब बैठ के करके दिखा रहा हूँ, सांस को बाहर निकाल देंगे, क्रिया वैसे ही रहेगी। थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जोर पड़ता है क्योंकि इसमें कमर का सहारा नहीं मिल पाता उतना। आप पद्मासन लगा करके कर सकते हैं, सुखासन में भी कर सकते हैं, पैरों को जैसे मैंने चढ़ाया है ऐसे चढ़ा के भी कर सकते हैं और सुखासन में भी कर सकते हैं। ऐसा ऐसा आप 5 बार आप करेंगे। अब इसके बाद कुछ आसन बतला रहा हूं। एक है उधर मुष्टिकासन, बैठ गए। इन दोनों को भीतर घुसा देंगे और भीतर घुसा करके सांस को बाहर निकाल करके सांस को रोक देंगे और सांस की रोकी हुई स्थिति में ही इसको भीतर नाभि में घुसा देना है और वहाँ पर चलाना है इसे बाईं ओर दाईं ओर, सांस रोके रोके ही स्थिति में, और चेहरे को आगे ले आना है, जमीन पे सटा देना है। जैसे चलाना है वैसे मैं बता देता हूँ पहले, खड़े बैठ करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे चलाना है, फिर उल्टा, सांस को बाहर निकाल के सांस को रोक करके ऐसा करना है। अब इसके बाद आपको नाभि चालनासन बतला रहा हूँ।
नाभि को आगे ले जाएंगे, पीछे ले आएंगे, जितना आगे ले जा सकते हैं जितना पीछे ले जा सकते हैं। ऐसा ऐसा 5 बार से 21 बार तक करना है। अब इसके बाद खड़े हो जाएंगे और जानुभालासन करते हैं। खड़े होकर के दोनों पैरों को मिला लेंगे। यहाँ सटाएंगे पहले हाथ, फिर ऐसे फिर यहाँ ले आएंगे, फिर से यहाँ सटाएंगे। जो यह करने में समर्थ हो जाए उन्हें पीछे से पकड़ लेना है। सारा ध्यान घुटने पर रखना है, घुटना टेढ़ा नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद प्राण आसन बतला रहा हूं। एड़ी को नाभि के पास ले आना और एक पैर को मोड़ लेंगे और इस पैर को से सटा देंगे। ऐसा 1 से 3 मिनट तक करेंगे, फिर पैर को बदल लेंगे। ये हाथ सीधा, ये भी हाथ सीधा, इससे इसको दबाना है, इन दोनों को हटाना है। ये प्राण आसन है। अब इसके बाद नाभि पीड़ासन करेंगे। नाभि पीड़ासन के लिए दोनों पैरों को मिला लेंगे, ऐसे पिस्त मिला लेंगे। इसके बाद पैरों को उठा लेंगे और दोनों हाथों से पकड़ लेंगे और सटाएंगे। एड़ी नाभि के पास रहे, इसके बाद मत्स्येन्द्रासन करेंगे, अर्ध मत्स्येन्द्रासन। वरुण तो काफी कठिन है, आप सब नहीं कर पाएंगे, लेकिन अर्ध से आपका काम चल जाएगा। इस पैर को जिनको पूर्ण करना है वो मेरा वीडियो बना हुआ है, आप पूर्ण मत्स्येन्द्रासन का वीडियो देख सकते हैं। इसे यहां रख लेंगे
और हाथ से इसको पकड़ लेंगे और इस हाथ से पीछे पकड़ लेंगे जांघ पर, और नज़र उल्टी रहेगी, नज़र विपरीत दिशा में नज़र रहेगी। अब इसके बाद आपको नाभ्यासन बतलाने जा रहा हूँ, यह भी बहुत लाभकारी है। इसमें लेट जाते हैं और दोनों हाथों को इस तरह से कर लेंगे और नाभि पर रख लेंगे, और नाभि की और यही हिस्सा जो है वह ज़मीन पर रहेगा, बाकी सारे हिस्से यानी पैर को भी उठा देना पीछे से और सर को भी और सीने को भी उठा देना आगे से, दोनों तरफ से उठ जाएगा और सिर्फ यही हिस्सा ज़मीन से सटा रहेगा। इस तरह से रख लेंगे यहाँ, सांस को छोड़ देंगे, फिर सांस को रोक लेंगे और दोनों तरफ से उठा लेंगे, पैर भी उठा लेंगे या भी सर भी और सीना भी और जांघ भी, और सांस रोके हुए स्थिति में रहेंगे जितनी देर रह सकते हैं। अब इसके बाद आपको बता रहा हूँ हिंडोलासन, जो इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। दोनों पैरों को पकड़ लेंगे और पैर से हाथ को खींचेंगे और सांस को बाहर निकाल देंगे, सांस को रोक देंगे और उसके बाद झूलेंगे, जैसे झूला जाता है हिंडोला जैसा। याद रखना है कि पैर की ताकत से हाथ को खींचना है, हाथ से नहीं खींचना है पैर को। इसके बाद आपको बतलाने जा रहा हूँ योग मुद्रासन। यह आसान है परंतु यह भी बहुत लाभकारी है। इसमें जैसे मैंने अभी पद्मासन लगाया है, पैरों को चढ़ाया है, ऐसे पैरों को चढ़ा लेना है।
और एड़ी, एक एड़ी नाभि के बगल में, ये एड़ी नाभि के इस बगल में। हाथों को पीछे कर लेंगे, ये योग मुद्रासन है। सांस को बाहर निकालेंगे और सांस को रोक देंगे और सर को सटा देंगे जमीन पर। जब सर सटने लगे तो नाक को सटा देंगे, जब नाक सटने लगे तो ओठ को सटा देंगे, ओठ सटने लगे तो दाढ़ी को सटा देंगे। अंतिम स्टेज इसका दाढ़ी है और फर्स्ट स्टेज इसका सर है। सांस को बाहर निकालेंगे, श्वास लेते हुए फिर वापस आ जाएंगे। ऐसा ऐसा 5 बार आपको करना है। इसके बाद आपको बतला रहा हूँ पार्श्व चालनासन। इसमें लेट जाते हैं, दोनों हाथों को फैला देते हैं और दोनों पैरों को एक साथ उठाते हैं और दोनों तरफ करेंगे, यानी पैर को सटाएंगे हाथों में एक तरफ, फिर पलट के दूसरी तरफ, और सांस को रोके रखेंगे। सांस रोके हुए स्थिति में ही आपको सटाना है कि दूसरी तरफ जाना है, फिर दूसरी तरफ जाना है। ऐसा ऐसा एक सांस में आप जितनी बार कर सकते हैं करेंगे और फिर ऐसा ऐसा 5 बार करने की कोशिश करेंगे। ऐसे उठा लिए पैर को, बाईं ओर पहले लाएंगे, सांस को छोड़ने के बाद सांस को रोक करके मैंने एक बार करके दिखलाया है, आपको 5 बार कर लेने हैं। आपको कुछ औषधि भी बतला दे रहा हूँ जो आप अपने घर में बना लीजिए। आपको करना है क्या है, जीरा को भून लेना है, छोटी हरड़ ले लेंगे, उसे भून लेंगे अरंड का तेल में, फिर उसे भी पाउडर कर देंगे, जीरा को भी पाउडर कर देंगे, पुदीना ले लेंगे उसे भी पाउडर कर देना है, खाने वाला सोडा ले लेंगे उसे भी पाउडर कर देना है, हीरा हींग ले लेना है उसे भी पाउडर कर देना है, और आपको अम्लवेत ले लेना है, अमलतास ले लेना है। अमलतास का रस निकाल लेंगे और उसका रस इनमें, इन सब में मिला देंगे, फिर उसके बाद उसको सुखा देना है धूप में अमलतास को, और अम्लवेत का भी तो उसी तरह से चूर्ण बना लेना है। फिर आप मकोई ले लेंगे और इन सब की मात्रा आपको बराबर ही रखनी है ताकि आपको कोई मात्रा के संबंधित परेशानी ना हो। आपको बराबर मात्रा में इनको रखना है, उसी लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ।
और काली मिर्च ले लेंगे, और जितना ये सब लेंगे उतनी ही मात्रा में, यानी कुल जितने हो जाएंगे उतने ही मात्रा में आपको यह ले लेना है, मिश्री ले लेनी है, उसका एक पाउडर बना करके इसे मिला देना है। हाँ, एक चीज़ और भूल गया था, आप एक मिला लेंगे खाने वाला सोडा, शायद बता दिया। हाँ, ये सौंफ भी ले लेंगे आप, वो भी उसी मात्रा में ले लेंगे सौंफ को। इतना आपके लिए काफ़ी होगा, पेट में जो भी दर्द होगा वो कर लेंगे, सब आपका दर्द छूट जाएगा। इतने योग को करना है, और जो मैंने अभी बताई औषधि आयुर्वेद की, इसको प्रयोग करेंगे, पेट एकदम साफ होगा। एक एक चम्मच इसका आप लेंगे, अगर वयस्क हैं तो, बच्चे हैं अगर हैं तो बच्चे आधा चम्मच लेंगे, और छोटे बच्चे हैं तो उसका आधा कर देंगे। मात्रा अपने हिसाब से एडजस्ट करना है। अगर आपको एक चम्मच में पूरा पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप चाहें तो उसको 1.5 चम्मच भी कर सकते हैं, और 2 चम्मच तक भी जा सकते हैं। तो इतना जो है आपको स्वयं के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मात्रा का। और रात को और सुबह में खाना खाने के बाद इसको लेना है, और हल्के कुनकुने पानी के साथ लेना है, ये ध्यान रहे। और आप ठंडा पानी नहीं पियेंगे, ठंडा पानी पीने से आपका दर्द बढ़ सकता है, कब्ज बढ़ जाएगा, गैस भी बढ़ जाएगी, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इतना आप कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप का जो प्रॉब्लम है इंटेस्टाइनल कॉलिक का रह रहे, तो यह ठीक हो जाएगा। साथ में एक बात और बताना चाहूँगा, वह यह कि यदि आपको गुलाब का फूल मिल जाता है तो एक एक फूल आप सुबह शाम खा लिया करें। अगर देसी गुलाब मिले तो अति उत्तम है, नहीं मिले तो जो हाइब्रिड है उसका भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन तब मात्रा जो है वो डबल हो जाएगी, उसमें औषधीय गुण कम होते हैं, तो मात्रा आपको 2 कर लेना पड़ेगा। यदि आप चाहें तो गुलाब के फूल ले आए, पंखुड़ी को छाया में सुखा लें, और सुखा करके फिर उसका पाउडर बना करके आप जो अभी दवाई मैंने बताई थी उसमें भी मिश्रण में मिला सकते हैं आप, उसी मात्रा में, समान मात्रा में, ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप तोड़ें और खाएं, बस इतना करें, इससे आपको पेट संबंधित परेशानी दूर हो जाएगी। साथ में एक चीज़ और बताऊँगा, पेट संबंधित कोई भी परेशानी है तो प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे अच्छा उपाय है उपवास करना, और नींबू और पानी का सेवन करना। थोड़ा नींबू होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, हल्का नींबू हो तो। इसको आप करेंगे 1 दिन 2 दिन के उपवास में आप सही होंगे, और जब उपवास तोड़ेंगे तो बहुत गली हुई खिचड़ी खाएंगे, ये ध्यान रहे, कड़ी चीज़ नहीं खाएंगे। तो इतना करने से आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, और जब शौच क्रिया के लिए जाते हैं तो यही कहूँगा कि हल्का कुनकुना पानी अवश्य पी लिया करें, और कागासन में बैठ करके पिया करें। कागासन इस तरह से बैठा जाता है, इस तरह से बैठते हैं, पंजे के बल पर बैठते हैं ऐसे, और इस पोजीशन में बैठ करके आप पियेंगे पानी, ये कागासन है। और इसके बाद कागासन के बाद जो है भूमि स्पर्श आसन कर सकते हैं, ताड़ासन कर सकते हैं। तो ताड़ासन और भूमि स्पर्श आसन के लिए वीडियो बने हुए हैं हमारे, उसको आप देख सकते हैं। तो ये टॉयलेट जाने के पहले करेंगे, पेट साफ हुआ करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ओम।